कस्टमाइज टेली इनवॉइस योर सेल्फ वाले टेली टीडीएल के अंदर आज हम कुछ नए फीचर और नए वेरिएबल इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। तो जो लोग इस टेली टीडीएल के लिए बिल्कुल नए हैं उनको मैं बता दूं कि हमने टेली के इनवॉइस को एमएस वर्ड के अंदर इस तरह से डेवलप किया है कि आप उसके अंदर अपने हिसाब से कुछ भी कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसे उसका कलर है, फॉन्ट की साइज है और कोई भी आप डिज़ाइन वगैरह डालना चाहें, कोई भी चीज़ें ऊपर नीचे करना चाहें तो वो आप एमएस वर्ड के अंदर कर सकते हैं। अगर आप पहली बार इस टीडीएल के बारे में जान रहे हैं तो मैं आपको यहाँ स्क्रीन पर ये वीडियो देखने के लिए रिकमेंड करूँगा, क्योंकि ये वीडियो बेसिक वीडियो है जिसके अंदर मैंने स्टार्टिंग की सारी बातें बताई हुई हैं। तो आप ये वीडियो देखिएगा और साथ में जो ये वीडियो चल रहा है ये देखिएगा, आपको सारा बात समझ में आ जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो में। इस टेली टीडीएल को मेरी वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड करने के बाद जैसे ही आप इस टीसीपी फाइल को टेली के अंदर एक्टिवेट करेंगे, अब आपको यहाँ एक ऑप्शन दिखेगा F6 एड ऑन फीचर्स। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको बाय डिफॉल्ट या तो आपका इनवॉइस का नाम दिखाई देगा जो अपने एमएस वर्ड के अंदर बनाया है, या फिर आपको नो लिखा दिखाई देगा। नो का अर्थ है कि आप इस फीचर को यूज नहीं करना चाहते और जो आपका बाय डिफॉल्ट टैली का इनवॉइस बनता है वैसा ही बनेगा। तो मैंने यहाँ आपको एक फैसिलिटी दे दी है नो लिखने की। अगर आपके मान लीजिए 10 कंपनी हैं और एक कंपनी के अंदर ही आप एमएस वर्ड के अंदर कस्टमाइज इनवॉइस को यूज करना चाहते हैं और बाकी 9 कंपनियों के अंदर आप टैली का डिफॉल्ट इनवॉइस ही रखना चाहते हैं, तो बाकी की 9 कंपनी के अंदर आप यहाँ नो रख दीजिए, बाय डिफॉल्ट नो ही आपके आएगा। अगर आप यहाँ कोई इनवॉइस का नाम लिखते हैं जो कि आपने एमएस वर्ड के अंदर बनाया है तो ही आपकी एमएस वर्ड वाली फाइल ओपन होगी, अदरवाइज आपकी टैली वाला इनवॉइस ही ओपन होगा। इसके अलावा यदि आपको यहाँ टाइप करने में प्रॉब्लम आ रही है, टाइप नहीं हो पा रहा है फाइल का नाम, तो आपको क्या करना है, जो भी फाइल का नाम आप डालना चाहते हैं उस पर जाना है, F2 प्रेस करना है, उसको कॉपी करना है। फाइल के नाम को कॉपी करने के बाद यहाँ आपको आना है, एस्केप प्रेस करके Ctrl+V से आपको फाइल का नाम पेस्ट करना है। एक जो लोग बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं वो ये गलतियाँ करते हैं, इसके साथ एक्सटेंशन और लिख देते हैं .xml, तो फिर प्रॉब्लम आती है और फिर एमएस वर्ड वाला फॉर्मेट आपका ओपन नहीं होता है। तो आपको ध्यान रखना है .xml नहीं लगाना है, केवल फाइल का नाम लिखना है। मैं एंटर प्रेस करूंगा और इससे बाहर आ जाऊंगा। तो आपको डेमो दिखाने के लिए मैंने यहाँ 2 कंपनियाँ लोड कर ली हैं। आसान सॉल्यूशन के अंदर मैंने फाइल का नाम इनवॉइस वर्ड रख दिया है और डेमो 2 वाली फाइल के अंदर मैंने यहाँ नो लिख दिया है। तो सबसे पहले मैं आसान सॉल्यूशन वाली को दिखा देता हूँ। एक कोई भी बिल मैं प्रिंट करके आपको दिखा रहा हूँ जो कि इनवॉइस वर्ड वाली फाइल के अंदर प्रिंट होगा जो एमएस वर्ड फाइल है। Alt+P मैं करूँगा, प्रीव्यू बटन पर मैं क्लिक करूँगा, एंटर प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हैं एमएस वर्ड वाली फाइल ओपन हो रही है जो आपके डिज़ाइन के अकॉर्डिंग है और सारे वेरिएबल्स आपने सेट किए हुए हैं जैसे आप डिज़ाइन चाहते हैं उस अनुसार ये फॉर्मेट आपका आया है। अब मेरी डेमो वाली कंपनी को मैं ओपन करूँगा, उसके अंदर भी एक सेल का इनवॉइस मैं प्रिंट करने का प्रयास करता हूँ। Alt+P प्रेस करूँगा, प्रीव्यू बटन पर जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हैं टैली का बाय डिफॉल्ट जो इनवॉइस है वो आपके सामने आ गया है। तो ये फीचर आपको समझ में आ गया होगा कि जिस भी कंपनी के अंदर आप बाय डिफॉल्ट फीचर यूज़ करना चाहते हैं उसके अंदर नो सेट कर देंगे। इसके अलावा आप मल्टीपल कंपनीज के अंदर मल्टीपल फॉर्मेट को सेट कर सकते हैं, ये भी एक फीचर है इस टैली TDL का। इसके अलावा कुछ वेरिएबल्स के नाम भी मैं आपको आज दे रहा हूँ जिनको आप लिख करके कुछ चीज़ें आप गेट कर सकते हैं अपने एमएस वर्ड इनवॉइस में। जैसे अगर आपको करेंसी सिंबल अगर आपको लाना है एमएस वर्ड के अंदर तो आप $C और ये क्वेश्चन मार्क लगा देंगे तो आपकी करेंसी सिंबल आ जाएगा। इसी प्रकार अगर आपको स्टॉक आइटम के साथ MRP रेट भी लिखनी है तो $MRATE लिखेंगे तो आपकी MRP रेट आ जाएगी। अगर आपको रेट इंक्लूडिंग टैक्स भी चाहिए तो $IN लिख दीजिए या फिर $INCL वैट रेट लिखेंगे तो आपकी इंक्लूडिंग रेट भी आ जाएगी। इसी तरह से अगर आपको लेजर का फर्स्ट डिस्क्रिप्शन चाहिए तो आप $UES1 लिख सकते हैं या फिर ये पूरा के पूरा आप लिख सकते हैं डॉलर लगा करके।
इसी तरह से अगर कोई लेजर डिस्क्रिप्शन सेकंड वाली लाइन चाहिए आपको तो आप ये लिख सकते हैं, अदरवाइज आप ये भी लिख सकते हैं। इसके अलावा वाउचर नंबर के लिए मैंने अभी आपको काफ़ी बड़ा वेरिएबल दिया हुआ है, इसको अगर शॉर्ट में आप लिखना चाहते हैं तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। यूनिट यूनिट के लिए अभी तक मैंने आपको कोई वेरिएबल नहीं दिया था जो केवल यूनिट का नाम आ जाए उससे, तो डॉलर यूटी अगर आप लिखेंगे तो यूनिट आ जाएगी आपकी। अब रेट चाहिए अगर आपको विदाउट यूनिट के साथ, तो आप लिखेंगे डॉलर RT और इसके साथ क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इसी तरह आपको क्वांटिटी चाहिए विदाउट यूनिट के साथ, तो डॉलर QT क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अभी जो मैंने आपको रेट और क्वांटिटी दिए हैं वो विद यूनिट के साथ दिए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ जो रेट डॉलर M और N आ रही हैं ये यूनिट भी इनके साथ आएगी, लेकिन अब जो मैंने आपको वेरिएबल दिए हैं इनके साथ यूनिट आपको नहीं दिखेगी। यूनिट के लिए आप अलग से कॉलम बना दीजिए, जैसा कि टैली के अंदर बाय डिफॉल्ट होता है, पर लिखा हुआ आता है और वहाँ यूनिट का नाम आपको लिखा हुआ आता है। तो चलिए वन बाय वन प्रैक्टिकल करते हैं इन सबको। अब आप देख सकते हैं इनवॉइस वर्ड डॉट XML फाइल को मैंने MS वर्ड के अंदर ओपन कर लिया है और यहाँ सारे वेरिएबल्स को मैंने रेड कर दिया है, जो मैंने नए वेरिएबल इंसर्ट किए हैं। आप देख सकते हैं MRP के लिए डॉलर M रेट, यूनिट के लिए डॉलर UT और क्वांटिटी और रेट के लिए भी मैंने यहाँ इंसर्ट किए हैं वेरिएबल, और यहाँ करेंसी के लिए भी वेरिएबल इंसर्ट कर दिया है। ये करने के बाद मैं इसको सेव कर दूंगा, और सेव करने के बाद मैं टैली के अंदर आऊँगा, और टैली के अंदर जो हमारे आसान सॉल्यूशन है जिसमें हम इनवॉइस वर्ड वाली टेम्पलेट को प्रिंट करवा रहे हैं उसके अंदर आएंगे। चलिए अब हम कोई भी एक सेल ओपन कर लेते हैं और सेल को अब हम प्रिंट करते हैं। LP मैंने यहाँ प्रेस किया, प्रीव्यू पर क्लिक किया, अब आप देख सकते हैं ये फाइल मेरी ओपन हो गई, टेम्पलेट वाली फाइल, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ इनवॉइस नंबर आ गया है मेरा, MRP कुछ थी नहीं इसलिए नहीं आया, और जो मेरी यूनिट थी वो KG आ गई है, और यहाँ जो क्वांटिटी है वो विदाउट यूनिट के भी आ गई है, और रेट भी मेरी विदाउट यूनिट के रेट भी आ गई है। इसके अलावा जो मेरी करेंसी है वो यहाँ नहीं आई है, क्योंकि ये दोनों मैंने मिला करके लिख दिए हैं, दोनों को अलग अलग लिखना पड़ेगा, स्पेस देना पड़ेगा, तब इसको समझ में आएगा। तो चलिए एक बार मैं इसको बंद करता हूँ और टेम्पलेट वाली फाइल को मैं खोल लेता हूँ MS वर्ड के अंदर, और यहाँ हम थोड़ा सा एक स्पेस देंगे, इसको सेव करेंगे। अब अगेन हम प्रिंट करेंगे, LP प्रेस करेंगे, और प्रीव्यू पर जैसे ही हम एंटर करेंगे आप देख सकते हैं आपका ये करेंसी सिंबल भी आ गया है। इसी तरह से एक इनवॉइस और है जिसके अंदर MRP भी है, मैं LP करता हूँ, प्रीव्यू पर जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा तो ये फाइल मेरी ओपन हो जाएगी, यहाँ MRP भी आपकी आ गई है। इसी तरह से दोस्तों यदि आप ई इनवॉइस यूज कर रहे हैं और IRN नंबर या ACK नंबर या ACK डेट प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके लिए तीन वेरिएबल मैंने दिए हैं। अगर आप डॉलर IRN लिखेंगे तो IRN नंबर आपका आ जाएगा, अगर डॉलर IRN ACK नंबर लिखेंगे तो ACK नंबर आ जाएगा, वेरिएबल अगर आप लिखेंगे तो आपकी ACK डेट भी प्रिंट हो जाएगी MS वर्ड इनवॉइस के अंदर। चलिए अब हम बात करते हैं MS वर्ड फॉर्मेटिंग से रिलेटेड कुछ इश्यूज के बारे में। आप देख सकते हैं यहाँ पिन कोड है जिसके नीचे एक रेड लाइन आ रही है, इसका मतलब है कि कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है, तो हमें इस स्पेलिंग मिस्टेक को दूर करना होगा। इसके लिए हम राइट बटन क्लिक करेंगे और इग्नोर ऑल पे क्लिक करेंगे, जिससे ये स्पेलिंग की एरर सही हो जाएगी। इससे फ़ायदा ये होगा कि जब हमारी प्रिंटिंग होगी तो हमको स्पेस वगैरह प्रॉपर नज़र आएंगे, अदरवाइज़ अगर हम इन एरर्स को सॉल्व नहीं करेंगे तो आपको स्पेसेस नज़र नहीं आएंगे, दो वर्ड्स चिपके हुए नज़र आएंगे। और लास्ट में इसको सेव करना है, सेव करने के बाद इसको बंद करना है और फिर हम वापस से प्रिंट करके हमारा फॉर्मेट चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो के अंदर काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा इस TDL के रिगार्डिंग। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।